वृद्धा को चकमा देकर दुकान के गले में रखी नकदी लेकर भागा चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अत्रौली रोड पर एक गैस एजेंसी के समीप दुकान से एक वृद्धा को चकमा देकर एक व्यक्ति ने गले में रखे 12,500 चोरी कर लिए। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला अर्जुन नगर के दिलीप की अत्रौली रोड पर गैस एजेंसी के पास जनरल स्टोर की दुकान है। दोपहर के समय वह अपनी माँ व बेटी को दुकान पर बैठाकर खाने खाने गया। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और उसकी माँ से बिना वजह कोल्ड ड्रिंक के रुपए मांगने लगा। जब माँ ने बेटे को आवाज लगाई तो अज्ञात व्यक्ति ने फुर्ती से गले में रखे 12,500 रुपये चुरा लिए और मौके से भाग गया। माँ के शोर मचाने पर अज्ञात व्यक्ति को तलाश किया लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस मामले में कोतवाली प्रभारी प्रभाकर का कहना है, तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका? मेरा नाम है जी दिलीप चौहान। क्या हुआ आपके घटना हुई साथ में? मैं जी अपनी दुकान पर से खाना खाने के लिए ऊपर घर पे गया, हमारे घर के अंदर ही दुकान है। मैं खाना खाने के लिए ऊपर गया, मम्मी जी आई दुकान पर, वो कहने लगी बैठ जा, तो ऊपर जाकर खाना खाया, फिर आ जाओ नीचे उतर कर। इतने एक बंदा आया दुकान पर, मैं खाना खाने चला गया, इतने बंदा आया रोटी लेकर, उसने आकर मम्मी से कहने लगा कोल्ड ड्रिंक के पैसे होंगे, अपना कोल्ड ड्रिंक के पैसे होंगे। मम्मी कहने लगी मैं तुम्हें जानते हो कोल्ड ड्रिंक के पैसे, हमारी तो कोल्ड ड्रिंक दूसरे लड़के साहब है, तो तुम तो मैंने आज तक देखे ना हो। नुकर ना देखो पर्ची रखी होगी, वो सीधे सब पर्ची गल्ला खोल कर पर्ची देख लगी, वो दुकान में अंदर बड़ा। मम्मी ने तो दुकान से बाहर निकाल दिया, भैया तो दुकान से बाहर चल, मैं भैया को बुला रही। मम्मी ने मुझे अंदर को आवाज मान लुकी है, इतनी देर में दुकान के अंदर बड़ा है, उसने गले में से पैसे रखे थे तकरीबन 12,500 रुपए, वो निकाले और लेकर भाग गया। स्कूटी पर आया था वो लड़का, अकेला ही एक लड़का था, 6 फुट हाइट थी उसकी, शरीर भारी था, मोटा था, तो जो वीडियो में आ रहा है जैसा कैमरे लगे हैं वीडियो में देखा तो आ रहा है उसमें। दुकान है धुंधला धुंधला परचून की दुकान है मेरी।